माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग शुरू करने वाले हैं स्टोरी ऑफ इंग्लिश, ठीक है ना। और इस स्टोरी ऑफ इंग्लिश को आज हम लोग कंप्लीट कवर करेंगे और इसमें मैंने कंप्लीट आपको 100 क्वेश्चंस रखे हुए हैं और उम्मीद करिएगा इस 100 क्वेश्चन से बाहर एक भी सवाल आपके एग्जाम में जाने वाला नहीं है। तो इनको कर लीजिए, ये एनफ होंगे आपके एग्जाम्स के लिए, ठीक है। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। हाँ, आप अगर चैनल पर नए हो ना यार, सब्सक्राइब कर लेना पल पल की खबर, और इंग्लिश रिलेटेड चैकेडमिक हो, कम्पिटेटिव हो, सारी की सारी व्यवस्थाएं यहाँ दी गई है, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं पहले सवाल से। पहला क्वेश्चन जरा गौर से पढ़ना प्यारे बच्चों। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इंग्लिश लैंग्वेज इज डैश देन संस्कृत एंड पर्शियन। इंग्लिश लैंग्वेज क्या है? संस्कृत और पर्शियन से बहुत ज़्यादा यंगर लैंग्वेज है, आप पढ़े होंगे। अगला कहता है ग्रेट बबल शिफ्ट कब टुक प्लेस किया? मिडिल इंग्लिश के दौरान, है ना, बिल्कुल ईजी है। न्यू वेराइटीज ऑफ इंग्लिश दैट हैव इमर्ज इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इज कॉल्ड। देखो ये प्रीवियस ईयर सारा क्वेश्चन, तीनों क्वेश्चन आपने सॉल्व किया ना प्रीवियस ईयर, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ बच्चे क्या करते हैं, अमेरिकन इंग्लिश टिक लगा के चले जाते हैं, जो कि सरासर गलत है। करेक्ट क्या होगा? न्यू इंग्लिश इज करेक्ट होगा, है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज इज द यंगेस्ट। सबसे यंगेस्ट लैंग्वेज कौन है? इंग्लिश को हम कह सकते हैं, बिकॉज आपको सभी को पता है कि कैसे 449 से लेकर के, माफ करेंगे, 449 से लेकर के 1066 तक जो चला था ओल्ड इंग्लिश चला था, और 1150 से लेकर के 1500 तक अपना मिडिल इंग्लिश चला था, और 1500 से ऑन वर्ड्स चलता है मॉडर्न इंग्लिश, ठीक है। बड़ा आसान सा चीज़ है ये। अगला देखते हैं, डैश इज द सिनोनिम्स ऑफ ड्रामा। कौन सिनोनिम है ड्रामा का? प्ले। आप सभी को पता है कि यूरोपियन कंट्रीज में प्ले बोला जाता है, लेकिन एशियन कंट्रीज में अपना ड्रामा वर्ड जो है ना सबसे ज्यादा फेमस है, है ना। रेनेसा जनरेटेड अ न्यू स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी, इंट्रोस्पेक्शंस और सेपरेशंस और मॉरालिटी। सिक्स क्वेश्चन ध्यान से देखने का, ये क्वेश्चन 2019 में साइंस में पूछा हुआ है, जिसका मतलब होता है इंट्रोस्पेक्शन। इंट्रोस्पेक्शन का मतलब होता है बहुत सारे इंडिविजुअल राइटर्स इस समय आए और उन्होंने जो है ना अपना कंट्रीब्यूशन दिया था, है ना। और सिक्स नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, थोड़ा सा बेहतरीन कर लिया जाए। इन द 18th सेंचुरी डैश पब्लिश अ डिक्शनरी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज। किसने डिक्शनरी जो है ना पब्लिश करा था 18th सेंचुरी में? क्वेश्चन बहुत आसान है, और ईजी भी है। सैमुअल जॉनसन थे, उन्होंने करा था इसको। कंप्लीट होने में 6 ईयर्स लगे थे और इसमें 40,000 वर्ड्स ही मात्र थे। चार्ल्स डिकेंस नोबेलिस्ट थे, 18th सेंचुरी के, 19th सेंचुरी के, 20th सेंचुरी के, या नॉन ऑफ टीच? क्या आंसर आप करेक्ट करना चाहते हैं? बिल्कुल बी करेक्ट, आपने सही कहा। ये भी 19 के ही सवाल पूछा गया है, ठीक है ना। अगला है एंग्लो सेजंस वर डैश जर्मनिक पीपल। अगला है इंग्लिश डेवलप्ड इंटू अ सिंगल स्टैंडर्ड। सिंगल स्टैंडर्ड क्या? क्वींस इंग्लिश। क्वींस इंग्लिश करेक्ट करेंगे, क्वींस इंग्लिश माय डियर स्टूडेंट्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। लैंगलैंड इज अ वेल नोन राइटर ऑफ, विलियम लैंगलैंड की बात हो रही है, जिन्होंने जो किस दौरान थे, पोस्ट मॉडर्न के थे या ओल्ड इंग्लिश के थे, मॉडर्न के थे या मिडिल इंग्लिश के? तो आपका करेक्ट आंसर आप सभी को पता है, मिडिल इंग्लिश के थे, ठीक है ना। विलियम लैंगलैंड, जॉन गोवर, बहुत सारे ऑथर थे, ठीक है। हमने मिडिल इंग्लिश का जो शॉर्ट नोट डाला है ना, वो जा करके देख लेना, एक वीडियो में सारा कुछ आपको समझ में आ जाएगा। स्टैंडर्ड ब्रिटिश इंग्लिश स्पीच केम टू बी नोन एज, स्टैंडर्ड ब्रिटिश इंग्लिश स्पीच जो है उसको किस नाम से जाना जाता है? आप सभी को पता है रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन, यानी कि उच्चारण जो रिसीव किया गया उसके नाम से, है ना। अगला क्वेश्चन है इंग्लिश बिलोंग्स टू द एंशियंट डैश फैमिली ऑफ लैंग्वेज। कहाँ से आया है? इंडो यूरोपियन फैमिली से, इसी फैमिली से लिया गया है इंग्लिश को। तो 13 क्वेश्चंस प्यारे बच्चों, और एक बात याद रखना, ये स्टोरी ऑफ इंग्लिश को हम लोग जैसे ही इसको हम लोग अभी कवर कर लेंगे ना, ठीक है ना, इसको जैसे ही हम लोग अगर कवर कर लेते हैं स्टोरी ऑफ इंग्लिश को, तो इसके बाद मैं पोइट्री के सेक्शन को भी शुरू कर दूंगा, एक एक करके उसको भी कवर करेंगे। और जो ग्रामर में मैंने वादा किया है प्यारे बच्चों कि हाँ तुम्हें मैं 500 क्वेश्चंस प्लस भी अपलोड करूंगा, ये भी कहानी हम शुरू कर देंगे। और आप सभी को पता है कि हम लोग जो हैं एकदम आखिरी प्रहार हम लोग तैयारी कर रहे हैं, और इस प्रहार से यकीन करना कि आपका अब बहुत अच्छा हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव तो समस्या ही नहीं लगेगी तुम्हें, है ना। चलो 13 के बाद इधर मैं लेके आ जाता हूँ इंग्लिश, आपके कंप्यूटर नहीं, आप कंप्यूटर हो या फिर मोबाइल उसके स्क्रीन पे, प्यारे बच्चों आ जाओ। 14 है द एंग्लो सेजंस इन्वेडेड इंग्लैंड इन, इन्होंने कब इंग्लैंड पर
आक्रमण करा था 5th century में। लेटेस्ट पीरियड इन ग्रोथ ऑफ एंड डेवलपमेंट ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज मे बी कॉल्ड द एरा ऑफ, किसके एरा के नाम से जाना जाता है, जल्दी बताइए, देर ना करें। क्वेश्चन नंबर 15, और ये 2022 का आईएससी का क्वेश्चन है जिसको न्यू इंग्लिश के नाम से जानते हैं, अभी आपने पढ़ा, तुरंत आपने पढ़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, हु वेर कॉल्ड टूगेदर द एंग्लो सैजंस, किनको कहा जाता है, एंगल्स को भी, जूट्स को भी, सैजंस, ऑल ऑफ दीज। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटा ऑल ऑफ दीज, ये तुम्हारा क्वेश्चन हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज आंसर हो जाएगा करेक्ट। ओके ओके 17, द रोमांटिक रिवाइवल इज एसोसिएटेड विद, जो रोमांटिक रिवाइवल है वो किसके साथ में एसोसिएट करता है, विलियम वर्ड्सवर्थ। जहां भी रोमांटिसिज्म की बात आ जाए तो विलियम वर्ड्सवर्थ को याद कर लेना है ना। ओल्ड इंग्लिश कब से कब तक है, तभी मैंने बताया 449 से 1066, इजी है। अब मिडिल इंग्लिश कवर्स, मिडिल कब से है, 1150 से लेकर 1500, अभी मैंने रिवाइज किया आप लोगों को। अगला कहता है इंग्लिश यूज सिंस 1500 टिल नाउ, 1500 से लेकर के अभी तक जो इंग्लिश को यूज किया जाता है उसे क्या कहते हैं, बताओ जरा, मॉडर्न इंग्लिश, क्या कहते हैं, मॉडर्न इंग्लिश। ओके अगला है, द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इज जस्ट अबाउट, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज जो है जस्ट अबाउट क्या है, 1500 ईयर्स ओल्ड, 1500 पुरानी बात है, ठीक है ना। आगे देखेंगे, बंकिम चंद्र रोट राजा राम मोहन्स वाइफ, ये एक लास्ट में जब आप बुक्स एंड ऑथर के बारे में पढ़ोगे तो वहाँ ये आंसर आपको मिलेगा, जो आर्ट्स और साइंस दोनों में 2022 में पूछा हुआ था। तो जो इसका द फर्स्ट इंडियन नोबेल इन इंग्लिश, ये कब आया था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, इसका आंसर क्या देना चाहिए था, आप सभी जरा सोच समझ के इसका आंसर देने की कोशिश करो, ठीक है ना। आई थिंक इसका आंसर आप देख लीजिएगा, ठीक है, अभी हम नहीं बता रहे लेकिन एक बार बुक देख लेना कब जो है इसको करा गया था, ठीक है ना। आई होप 1864 में ही इसको करा गया था, ठीक है। अगला देखो, इन द ओल्ड इंग्लिश पीरियड द टू मेजर इन्फ्लुएंस, बड़ा आसान सा है, टू मेजर इन्फ्लुएंस थे क्या था ओल्ड इंग्लिश में, लैटिन एंड स्कैंडिनेवियन, लैटिन एंड स्कैंडिनेवियन। ओके 24 नंबर क्वेश्चन देखना जरा, द गोल्ड पीरियड ऑफ ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर वॉज द एरा ऑफ किंग अल्फ्रेड, ये तो मैंने भी बता दिया। देखो मैंने ओल्ड इंग्लिश का कंप्लीट क्लास दे दिया है, इसका जो नोट आता है नोट मैंने पढ़ा दिया है, ब्रीफ में मैंने आपको ये भी समझा दिया है सारी चीज़ें, तो उसको देखना जरूर यार, ठीक है। द ईयर AD 1066 taken to be the end of 1066 किसका ईयर करता है, ओल्ड इंग्लिश खत्म हो चुका है, किसका एंड ऑफ द ओल्ड इंग्लिश। क्वेश्चन नंबर 26, अबाउट एस क्रिश्चियनिटी बिगिन स्प्रूड इन इंग्लैंड, कब क्रिश्चियनिटी जो है ना इंग्लैंड में फैलना शुरू हुआ था, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, और इसका आंसर हो जाएगा AD 600। बिल्कुल नहीं थकना है, पूरा का पूरा आज कंप्लीट कर ही लेना है प्यारे बच्चों, है ना। द फर्स्ट फेज ऑफ मिडिल इंग्लिश लिटरेचर, फर्स्ट फेज यानी कि ओल्ड इंग्लिश, फर्स्ट फेज ऑफ मिडिल इंग्लिश लिटरेचर, मिडिल इंग्लिश में लिटरेचर आप सभी को पता है 1150 से 1215 था पहला फेज, आप वो वीडियो जाकर के देखो, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिलेगा, जितना भी स्टोरी ऑफ इंग्लिश से रिलेटेड वीडियो है उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पूरा का पूरा देखो जाके, ठीक है ना। आओ क्वेश्चन नंबर देखते हैं यहाँ पे प्यारे बच्चों, हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया 28 क्वेश्चंस, अब आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। चलो जी, चलो चलो सेट हो जाना भाई, इधर क्यों टेंशन दे रहा है, क्यों दे रहा है, क्वेश्चन आ जाए यहाँ देख। Chaucer's, Gower, Langland and Wycliffe, important writers of Middle English, सोचने की जरूरत ही नहीं है, मिडिल इंग्लिश के ही इंपॉर्टेंट राइटर्स हैं। मॉडर्न इंग्लिश बिगिन, मॉडर्न इंग्लिश कब से शुरू हुई है, 1500 ईस्वी के बाद से, है ना। अगला कह रहा है द प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस हुआ 1476 में, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, विलियम कैक्सटन जो लाए थे ना वेस्टमिंस्टर एबे में जिसको रखा था, वही प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी की बात हो रही है। ओके अगला क्वेश्चन देखना, द नेम अगस्टिन वॉज गिवेन टू द अर्ली अगस्टिन, अगस्टिन 18th century को ही हम लोग अगस्टिन एज के नाम से जानते हैं, अगस्टिन एज। डैश वॉज ऑल्सो नोन एज द अगस्टिन एज, सेम सवाल पूछा गया, सेम सवाल है, दोनों में कोई टेंशन नहीं है। 34 भाई ठहर जा ना, क्या जा रहा है तुम्हारा, इसमें तेरा घाटा। द ब्रिटिश ग्रामर वॉज रिटन बाय, द ब्रिटिश ग्रामर रिटन बाय जे बचनैन इन, ये कब लिखा गया था, याद रखिएगा इसका आंसर होगा 1762। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ज़्यादा नहीं है, फिर भी दे दिया गया कि बच्चों प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है ना। द इंग्लिश फ्रॉम 15th century से लेकर के अभी तक इंग्लिश को मॉडर्न इंग्लिश के नाम से जाना जाता है। राइटिंग सिस्टम ओल्ड इंग्लिश में क्या था, रूनिक अल्फाबेट का इस्तेमाल किया जाता था, आप पढ़े हुए होंगे। चलो अगला देख लो, द ग्रेट वॉवल शिफ्ट,
ब्रॉट अबाउट अ सीरीज ऑफ चेंजेस इन द क्या डैश ऑफ इंग्लिश लॉन्ग वोवेल्स. जल्दी सोच के बताना. 37 का आंसर होगा प्रोनंसिएशन. ग्रेट वोवेल शिफ्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है. प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी इंग्लैंड में कब आया, 1476 में. वही सवाल, रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है. इंग्लिश इज डैश विंडर टू द वर्ल्ड, हिंड्रेंस इन प्रोग्रेस, ब्लेसिंग इन डिसग्रेस या फिर डिसग्रेस टू. आपको पता है विंडो टू द वर्ल्ड, आपने पढ़ा भी होगा मॉडर्न इंग्लिश में, ठीक है. अगला क्वेश्चन देखना. द रोमांटिक रिवाइवल, रोमांटिक रिवाइवल एसोसिएटेड है विलियम वर्ड्सवर्थ. एक ही सवाल था जो पहले आपने करा. 41 देखो. द डैश हैड फार रीचिंग इफेक्ट्स ऑन इंग्लिश लैंग्वेज, रेनेसा, एग्रीकल्चर, एजुकेशन या फिर इंडस्ट्री. तो मुझे तो लग रहा है कि रेनेसा इसका करेक्ट आंसर आपको देना चाहिए. आर्ट्स में पूछा हुआ सवाल है, ठीक है. पुनर्जागरण जिसको आमतौर पर हिंदी पे हम कहते हैं, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 42 प्यारे बच्चों. इंग्लिश इज यूज एज ए फॉरन लैंग्वेज, इंग्लिश का प्रयोग फॉरन लैंग्वेज के रूप में कहाँ यूज किया जाता है. जल्दी आंसर देना इसका. आंसर आप सब जानते हो ना, सबको पता है सर, चाइना में. हमारे यहाँ सेकेंड लैंग्वेज, यहाँ तो फर्स्ट, और यहाँ तो फर्स्ट मदर लैंग्वेज चाइना होगा. अमेरिका हैज डिफर्स फ्रॉम ब्रिटिश इंग्लिश इन 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 द डैश, स्पेलिंग में, ग्रामर में, सारी चीज़ों में. अमेरिकन इंग्लिश आप देखे होंगे तो सारी चीज़ों में डिफरेंस है. आप ये भी मैंने वीडियो पढ़ा दिया, उसको आप जाके देख सकते हो. अबाउट डैश ईयर्स एगो लैटिन वाज अ वर्ल्ड लैंग्वेज अबाउट 800 ईयर्स एगो. देखो क्वेश्चन वहाँ वहाँ से सेलेक्ट करके तुमको दिया जा रहा है, जहाँ से आसानी से प्यारे बच्चों तुम पूरा का पूरा बुक कवर कर सकते हो, है ना. अगला है, इन द लास्ट फ्यू डिकेड्स द डैश सेंचुरी द इंग्लिश लैंग्वेज हैज बीन रैपिड चेंजिंग. कब से, लास्ट डिकेड्स आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है ना. सोच के आंसर करो जरा. इसका आंसर होगा 20वीं शताब्दी से. जब 20वीं शताब्दी आई ना, अब जानते हो कि इंग्लैंड से बहुत ऐसे कंट्रीज हैं जो रिलीज हो गए, आज़ाद हो गए, और उसके बाद में चेंजेस आने शुरू हो गए, ठीक है. देखो 46 जरा देखना ध्यान से. ड्यूरिंग डैश सेंचुरी एन इंटेलेक्चुअल मूवमेंट स्वेप्ट इन यूरोप. एक बहुत ही इंटेलेक्चुअल मूवमेंट चला था किस सेंचुरी में, 15वीं शताब्दी में यूरोप में, ठीक है ना. इन हिज पोएटिक वर्ड्स चाउसर डिज नॉट यूज, चाउसर ने किसी भी ओल्ड इंग्लिश का यूज नहीं किया था. द कैंटरबरी टेल्स को किसने लिखा, चाउसर ने. ये तो VVI क्वेश्चन है सर, बहुत बार ये पूछा हुआ है, ठीक है, इसको कर लेना. पैराडाइज रिकेंट किसने लिखा, यहां से बुक्स एंड ऑथर की कहानी शुरू हो गई. बहुत बच्चे सवाल जो कर रहे थे ना सर, बुक्स एंड ऑथर के करा दो, बुक्स एंड ऑथर के करा दो, यही सारी चीजें हैं. पैराडाइज लॉस्ट, अब पैराडाइज लॉस्ट किसने लिखा हुआ है, तो इसको भी मिल्टन ने ही लिखा हुआ है, ठीक है. अरे ठीक है, बढ़िया. अगला क्वेश्चन देखो. 51 द रोप ऑफ द लॉक, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी पूछा हुआ सवाल है. बी आंसर होगा अलेक्जेंडर पोप, ठीक है. हाइडीब्रास किसने लिखा, हाइडीब्रास किसने लिखा है, जल्दी जवाब दीजिएगा. और मुझे पता है कि ये सारे सवाल बहुत कम बच्चे किए हैं, इसलिए सब सवाल को याद रखना. बटलर का लिखा हुआ है, मैकफेल के ने पूछा हुआ है, जॉन ड्राइडन ने इसको लिखा हुआ है, याद रखना. फेरी क्वीन ये भी पूछा हुआ है, फेरी क्वीन भी रिपीटेड क्वेश्चन है, स्पेंसर ने जिसको लिखा है. डॉक्टर फॉस्टस को किसने लिखा है, ये भी पूछा हुआ सवाल है, जिसको लिखा है क्रिस्टोफर मार्लवी ने, ठीक है. जो आप बच्चे पूछ रहे थे ना सर कौन सा ऑथर्स ने भी याद करे, क्या याद करे, बेटा वही कहानी अभी चल रही है. एडवर्ड सेकेंड वाज रिटन बाय, एडवर्ड सेकेंड जो एक पोइट्री थी, जो एक बुक था, उसको किसने लिखा था, तो करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा, मार्लोवी ने ही लिखा था. वेनस एंड एडोनिस, वेनस एंड एडोनिस को किसने लिखा था, शेक्सपियर ने. वर्ड्सवर्थ क्या थे, एक ये आप क्या कह सकते हो फिलहाल, इनको एक पोइट कहना, ठीक है. हेमलेट क्या है, हेमलेट अपने आप में एक ट्रेजेडी है जो विलियम शेक्सपियर ने लिखा हुआ है, ठीक है. चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं. किंग लियर क्या है, तो किंग लियर भी अपने आप में एक ड्रामा है, और ये सवाल पूछ दिया था बताओ 2018 में. है इतना खूबसूरती से क्वेश्चन पूछ रहा है ना, कि जिससे वही बच्चे बन पाएंगे जिस बच्चों ने पढ़ा होगा. पायर्स द प्लाउमैन किसने लिखा है, आपको भी पता है विलियम लैगनर ने लिखा है, ये क्वेश्चन याद रखना, ये पूछा हुआ सवाल है, ठीक है. 18 में भी ये पूछा हुआ था. अगला ओथेलो, हेलमेट, जूलियस सीजर, मैकबेथ किसने लिखा है, विलियम शेक्सपियर ने. ये क्वेश्चन भी तुम्हारा 19 में और 20 दोनों में पूछा हुआ है, 19 में भी और 20 में भी, ठीक है.
एनफ है, ये 100 क्वेश्चन कर लो और निश्चिंत रहो, सारे के सारे ऑब्जेक्टिव यहीं से आपके एग्जाम में होंगे। विजन एंड जजमेंट, विजन एंड जजमेंट को किसने लिखा हुआ है, तो सी होगा आंसर, लॉर्ड बायरन ने लिखा हुआ है। रिवोल्ट ऑफ इस्लाम, इसको किसने लिखा है, तो पीवी शैले ने लिखा है, पीवी शैले ने, ठीक है। अगला है 65, द सोल्जर गिस्पी हैज रिटन बाय, सोल्जर गिस्पी को किसने लिखा हुआ है, इसको लिखा मैथ्यू अर्नोल्ड, और ये 2021 में आर्ट्स में पूछा हुआ सवाल है। तो आप देख रहे हो प्यारे बच्चे, सवाल की देखो कहने का मतलब है, जो अच्छे से मतलब थ्रॉली जिसने बुक पढ़ा होगा ना, ठीक है, उससे सारे के सारे क्वेश्चंस बन रहे होंगे, और जो ऊपर ऊपर पढ़ेंगे ना उससे बहुत सारे क्वेश्चंस छूटेंगे। तो इसीलिए इस पूरे ऑब्जेक्टिव को गौर से देख लेना, और जो भी तुमने बुक से पढ़ा है उसको भी एक बार रिवीजन लगा ही लेना, तभी अच्छे छात्र कहलाओगे, है ना। आइए 66 क्वेश्चन के प्लस चलते हैं, आ जाओ प्यारे मोहन का है। ये थोड़ी सी वीडियो लंबी होगी, ठीक है ना, इसलिए परेशान होने की जरूरत आप लोगों ने, मजे से पढ़ो, ठीक है। सोहराब एंड रुस्तम हैज बीन रिटन बाय, किसने लिखा है सोहराब एंड रुस्तम को, मैथ्यू अर्नोल्ड ने। द गीतांजलि हैज बीन रिटन बाय, ये तो अपने बाबा लिखे हैं, रविंद्रनाथ टैगोर, और ये क्वेश्चन पूछा था 20 में भी और 22 में भी, ठीक है। सावित्री भी 19 में और ये 20 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। सावित्री को किसने लिखा है जल्दी बताओ, अरविंद घोष, करेक्ट आंसर है जिसने भी बोला है। द वर्ड ड्रामा, ड्रामा कहाँ से आया है, ग्रीक वर्ड से, और ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन है। अगला देखो 70 क्वेश्चन, द लैंग्वेज ऑफ ओल्ड इंग्लिश लुक्स डिफरेंट बिकॉज इट्स स्पेलिंग वोकेबुलरी और लिंग्विस्टिक और लिंग्विस्टिक अपील, स्पेलिंग एंड वोकेबुलरी के कारण बिल्कुल डिफरेंट दिखता था ये लैंग्वेज, ठीक है। अगला कह रहा है टुडे डैश इंग्लिश इज रिकग्नाइज अ वर्ल्ड लैंग्वेज, कौन इंग्लिश को आज वर्ल्ड लैंग्वेज के रूप में माना जाता है, तो इंग्लैंड के बाद अगर कोई है तो वो है अमेरिकन इंग्लिश, ठीक है। नेक्स्ट देखो, न्यू वेराइटीज ऑफ इंग्लिश इमर्ज आफ्टर द कलोनीज ऑफ ब्रिटिश एम्पायर अक्वायर्ड, जब सबको फ्रीडम मिल गया, फ्रीडम फ्रीडम फ्रीडम, तभी न्यू इंग्लिश का एरा शुरू हुआ। मोर्टलिटी प्लेस डेवलप्ड, मोर्टलिटी प्लेस मिडिल एज में डेवलप हुआ था। फर्स्ट इंग्लिश ट्रेजेडी, पहला इंग्लिश ट्रेजेडी था गौरबुडक, क्या था गौरबुडक, ठीक है, याद रखना इसको। चलो अगला क्वेश्चन देखो, ओथेलो क्या है, कॉमेडी है, ट्रेजेडी है या ड्रामा है, जल्दी बता दो, ट्रेजेडी है, विलियम शेक्सपियर की फेमस ट्रेजेडी के नाम है। मर्डर इन द कैथेड्रल, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मर्डर इन द कैथेड्रल T.S. एलियट ने जिसको लिखा हुआ है। डैश इज कॉल्ड फादर ऑफ मॉडर्न नोबेल, मॉडर्न नोबेल के फादर किसको कहते हैं, सभी को पता है आप सभी को, रिचर्डसन को कहा जाता है, इसका बहुत जगह आंसर गलत दिया ना, हेनरी फील्डिंग, ठीक है। आगे देखो, पैमेला को किसने लिखा है, तो पैमेला को लिखने वाले हैं रिचर्डसन, नहीं इसको लिखा है, कहाँ गए ये, नहीं सॉरी इसमें मारना था, पैमेला पैमेला पैमेला, चलो रिचर्डसन ने इसको लिखा, ठीक है। प्राइड एंड प्रेजिडिस, प्राइड एंड प्रेजिडिस को लिखने वाले कौन लोग हैं, जेन ऑस्टिन, जेन ऑस्टिन। डेविड कॉपरफील्ड को चार्ल्स डिकेंस ने, देखो यही को रिवीजन कर लो भाई, पूरा का पूरा तुम्हारा रिवाइज हो जाएगा। 81 पिकविक पेपर्स किसने लिखा है, चार्ल्स डिकेंस ने। कूली, कूली पूछा हुआ सवाल है भैया मेरे, ये अपने इंडिया के लोग लिखे हैं, मुल्क राज आनंद ने इसको लिखा हुआ है, बहुत अच्छा लग रहा होगा आपको, मजे से सारा देख लो, फिर बाकी सारी चीजें अच्छी हो जाएंगे। सर्पेंट एंड द रोप को लिखने वाले कौन है, राजा राव ने लिखा था। अनटचेबल, ये भी इंपॉर्टेंट है, अनटचेबल को लिखने वाले कौन है, मुल्क राज आनंद। 84 क्वेश्चंस कर लिए, आइए अब चलते हैं और थोड़े से क्वेश्चन है 16 कवर करते हैं, और फिर स्टोरी ऑफ इंग्लिश को करते हैं जय हिंद। क्वेश्चन देखो जरा गौर से, ठीक है, 18 मिनट्स ओनली। चलो जी क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, सुन रहा है ना तू, सुन रहा है ना भाई। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स को किसने लिखा है, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, आर्ट्स 18 में पूछा है, अनीता देसाई, सॉरी इसका अरुंधति रॉय, याद रखना अरुंधति रॉय। ट्रेन टू पाकिस्तान, खुशवंत सिंह, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखा, अ बेंड इन द गंगेज, ये तो तुम खुद बता दोगे, बेंड इन द गंगेज के लेखक कौन है, ये भी सवाल पूछा हुआ है, मनोहर मालगोनकर, जब पढ़े थे तभी। आर्म्स इन द मैन, ये भी प्रीवियस ईयर है, आर्म्स इन द मैन को किसने लिखा है, जी बी सौ ने लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, किसने लिखा है हल्क बेरी फिन, किसने लिखा है हल्क बेरी फिन, आंसर देंगे मार्क ट्वेन,
हल्क वेरी फिन, मार्क ट्वेन, ट्वेन 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 ट्वेन। चलो अगला क्वेश्चन देखो, गोल्ड स्मिथ एंड शेरिडन मेड कंट्रीब्यूशन टू द, गोल्ड स्मिथ और जो शेरिडन थे उन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन कहाँ दिया था, क्वेश्चन नंबर 90 बता रहा है नोबेल आंसर होगा। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, क्वेश्चन अच्छा 2019 में ही पूछा है ना, होल ठीक है सोनिंका इज अ, होल सोनिंका जो है ओल सोनिंका ये क्या है, ये अपने आप में नाइजीरियन पोइट का नाम है। द ओल्ड इंग्लिश पीरियड इज कैरेक्टराइज्ड बाय इन्फ्लेक्शंस, बहुत कमी थी उसमें, मेजर लिंग्विस्टिक चेंज इन द कॉल ग्रेट बबल शिफ्ट। 18th सेंचुरी को किस एज के नाम से जानते हैं, अगस्टियन एज के नाम से। ओलिवर गोल्डस्मिथ एम्फसाइज्ड ऑन द प्योरिटी, प्योरिटी किसके ऊपर, किस प्योरिटी की बात किया था इसने, विलेज लाइफ। ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है ठीक है ना, 20-21 में सवाल पूछा है ये क्वेश्चन। अगला कह रहा है किसने लिखा है पैसेज टू इंडिया, एम फॉस्टर ने। इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इंडियन राइटर होगा, नहीं बेटा एम फॉस्टर ने लिखा हुआ है, इसको याद रखना। 97 क्या कह रहा है कि टुडे इट इज इम्पॉसिबल टू थिंक एंड इमेजिन अ वर्ल्ड विदाउट प्रिंटिंग प्रेस, करेक्ट बात है। अगला क्वेश्चन नंबर 98 देखना है, स्पेलिंग कलर अमेरिकन में यूज किया जाता है ठीक है, ऐसे और यू आर कर दोगे तो ब्रिटिश इंग्लिश, सी ओ एल ओ आर होता है अमेरिकन, और सी ओ एल ओ यू आर कर दोगे तो इसे कहेंगे ब्रिटिश इंग्लिश, क्या कहेंगे ब्रिटिश। अगला क्वेश्चन देखना, हु रोड एंडेमियन, किसने लिखा है एंडेमियन, एंडेमियन किसने लिखा है, जल्दी बता, जॉन किट्स बी करेक्ट आंसर होगा। टेक्स्ट ऑफ विच पीरियड आर डिफरेंट टू रीड एंड अंडरस्टैंड ओल्ड इंग्लिश का, तो माय डियर बच्चों यहाँ पे आपकी तैयारी होती है बहुत अच्छी, और मुझे उम्मीद है कि ये जो 100 क्वेश्चंस हम लोगों ने मिलकर के जो ये साथ में आप लोगों ने ये जो 100 क्वेश्चन किया है ना, कितने क्वेश्चन भाई मेरे 100 क्वेश्चंस जो आपने किया है ना, समझ रहे, ये 100 क्वेश्चन जो है ये समझ के चलो आज के बाद ये तुम्हारे लिए रामबाण है, क्या है बताओ, रामबाण है। और इनको तुम्हें क्या करना है, बार बार रिवाइज करना है, जितना बार वीडियो देख लो जितना बार मन करे रिवाइज कर लो, क्योंकि इससे बाहर बेटा क्वेश्चन नहीं आएंगे तुम्हारे एग्जाम में, इससे बाहर तो बिल्कुल भी नहीं आएंगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स ये इनफ है आपके लिए, एनफ है, इससे ज़्यादा सोचने का नहीं, आराम से प्रैक्टिस करो। हम लोग पोइट्री पे बाकी चीज़ों पे चर्चा करेंगे, तब तक लिए थैंक यू वेरी मच। और अंत तक अगर तुम वीडियो देखे हो ना, अंत तक देखे हो तो कुछ सोच कर ही देखे होंगे, तो इसलिए आपको भी वीडियो देखने के लिए हमारे तरफ से प्यार भरा थैंक यू, और पक्का अच्छा सा स्वीट सा एक कमेंट जरूर कर देना कि कैसी तैयारी चल रही है। धन्यवाद, बाय बाय।